सलीम यहाँ पे आओ, कहाँ पे आओ सलीम, बोल यहाँ पे क्या कर रहे हैं। Should I go in and तुम लोग यहीं रुको। Excuse me, ये कल्पना कौन? ऊपर टेरेस पे। मेरा नाम सचिन है मैडम, like सचिन तेंदुलकर, please मेरी सिफारिश करिएगा। And congrats for the good news. Oh, thank you. Excuse me, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। Thank you. Hello. Thanks. अच्छा, अब तुमने फोटोग्राफ भेजी कि नहीं? Excuse me. कल्पना? हाँ मैं ही हूँ, बोलो। वो मैं वो मायापुरी मैगजीन में न्यूज़ पढ़ी। ओफो, फिर मायापुरी। सुबह से कॉल्स पे कॉल्स, ऑटोग्राफ्स, फोटोग्राफ्स, बुकेस, एसएमएस। अरे मैंने इसलिए थोड़ी बताई थी अपनी स्टोरी। संजय कितना नाराज होगा। संजय सिंह खानिया यार, एक्चुअली पहली बार हम दिल्ली एयरपोर्ट पे मिले थे, उस वक्त मैं जानती नहीं थी कि वो संजय सिंह खानिया है। पूरे वक्त एयरपोर्ट की लॉबी में उल्लू की तरह घूर रहा था मुझे। बाद में फ्लाइट में भी मेरे पास वाली सीट पर आकर बैठ गया। हाय, आप संजय सिंह खानिया? मैंने भी बोला हाय। तब मुझे मालूम पड़ा कि ये संजय सिंह खानिया है। दिल्ली से बम्बई पूरे रास्ते उसका एफएम रेडियो ऑन था, कचर 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 कचर, और मैं भी सुनती रही। फिर एकदम से बोला आई लव यू, मुझसे शादी करोगी? मैंने बोला बच्चू, शादी ब्याह की बातें हवा में थोड़ी तय की जाती है। मैंने बोला नो, उसने बोला प्लीज। मैंने बोला नो, उसने बोला प्लीज। मैंने बोला ओके। अब कोई एक टांग पे खड़ा हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं। बस इतनी सी बात थी, ये खबर मैगजीन में छप गई तो लोग पीछे पड़ गए कि मैडम हमें रेकमेंड कर दो, मैडम हमें ऐड दिला दो। उफ, तुम इस ऐड के लिए आए हो ना? मैं अरे यार, सूट पहन के सब ऐड के लिए आते हैं। तुम सिलेक्ट हो गए क्या? या मैं रिकमेंड करूं? लेकिन टैलेंट होना चाहिए। हाँ टैलेंट, और एकदम वैन ह्यूसन शूटिंग की उम्मीद मत रखना। लिज्जत पापड़ कछुआ छाप जो भी मिले कर लेना। ये पकड़ो। अब बोलो, ये कंघी नहीं कंखा है? जवा मर्दों की पसंद, आशिक का ना कंखा। बोलो। पहले कभी किया नहीं क्या? वेरी पुअर, बहुत काम करना पड़ेगा। ठीक है, तुम अपना नंबर दे जाओ, कुछ होगा तो फोन करूंगी। क्या नंबर है तुम्हारा? 9650555555। है रोइस का मोबाइल है, मेरे पास भी वही है, डब्बा फोन है साला, कहीं पर भी नेटवर्क नहीं मिलता। मैं कितना कहती हूँ संजय से, जरा एंटीना को घुमा कर दे। ठीक है घर की कंपनी है, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड तो होना चाहिए। हाय अंजनी। हाँ एक सेकंड, नाम क्या बताया अपना? सचिन। हाँ ओके सचिन, मैं थोड़ी बिजी हूँ, कुछ होगा तो फोन करूंगी। बाय। हाँ अंजनी बोल। नहीं यार, you know what happened? मायापुरी में जब से मेरी लव स्टोरी छपी है ना, अरे वो नहीं यार, एक्चुअली पहली बार हम दिल्ली एयरपोर्ट पे मिले थे, फ्लाइट में भी मेरे पास वाली सीट पर आकर बैठ गया। हाय, आप संजय सिंह खानिया? बोला हाय। दिल्ली से बॉम्बे पूरे रास्ते उसका After completing my law, I went to the US and I did my MBA from Howard. I've been looking after this business since my father passed away.
I strongly feel that technology has to reach people beyond social and economic barriers. And that's the goal of our company. Oops. I'm so sorry. Cell phones, I tell you. Excuse me. Hello? Hello? मैं कल्पना बोल रही हूँ. कल्पना? आप कौन सी कल्पना बोल रही हैं? अरे कल्पना, संजय सिंघानिया की गर्लफ्रेंड यार. ओह अच्छा, वो कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ. अच्छा, एक चड्डी का ऐड करोगे? चड्डी का? अच्छा, तुम भी हो उसमें? अरे मर्दों की है बाबा. हाँ अच्छा, जल्दी आ जाओ, एड्रेस नोट करो. एक मिनट. मार्क, जस्ट मेक अ नोट ऑफ द एड्रेस प्लीज. हाँ बोलो. बिल्डिंग नंबर 3, चिंच पोकली बंदर खाओ गली. बिल्डिंग नंबर 3, चिंच पोकली बंदर खाओ गली. आई बिग योर पार्डन सर. चिंच पोकली बंदर खाओ गली. चीनी चिकी. चिंच पोकली. चिंच पोकली. पोकली. बंदर खाओ गली. खाओ गली. गली. गॉट इट. थैंक यू. और हाँ, ऑटो में आना, इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा. पैसे तो है ना? मैं मैनेज कर लूँगा. ओके ठीक है, सो आई विल बी वेटिंग फॉर यू. बाय. आज बड़ी गर्मी है. मुंबई पहली बार आए हैं? बारिश में आइएगा साहब, नदियाँ बहती हैं नदियाँ. सॉरी. आप काहे को सॉरी बोल रहे हो साहब? पब्लिक रोड पे चलेगा तो हम क्या हवा में उड़ेगा साहब? अच्छा आप सामान कितने? कितना हुआ? 40 रुपये. अरे देहाती की तरह इधर उधर क्या देख रहे हो? मैनेजर कुमार ने कहा कि नया मॉडल चाहिए, इसलिए तुम्हारी याद आई. ये किस चीज का ऐड? हाँ, ज़ोरो इलास्टिक चड्डी. अरे ये है, तुम्हें मिल गया ना तो तुम्हारी निकल पड़ेगी. जरा सोचो, तुम चड्डी में खड़े हो, लोखन वाला से लेकर मरीन ड्राइव तक हर सिग्नल पे तुम्हारे 60x40 के ये बड़े बड़े बैनर. हमारी तो किस्मत ही बदल जाएगी. फिक्र मत करो, सेलेक्ट हो जाओगे. अब कोई और ऐड नहीं मिल सकता? हाँ, खुजली का करोगे? खुजली का? मेटेक्स लोशन, बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली के लिए. नहीं नहीं, वो पहला वाला ठीक है. हेलो मैम. ओह हाय मैम, आपने वो कहा था ना कि चड्डी की ऐड के लिए सिफारिश करूंगी. भाई वो चड्डी वाला तो चला गया, खुजली का करोगे? करूंगा. कुछ भी करूंगा मैम, मुझे तो काम चाहिए. गुड, दैट्स द स्पिरिट. देखा, कल सुबह स्टूडियो में आ जाना. थैंक यू मैम. ओके एक मिनट रुको. अंकल आपको कहाँ जाना है? मुझे संजीवन स्कूल बस स्टॉप पे जाना है. आइए मैं छोड़ देती हूँ. रास्ते में क्या क्या हो रहा है मैं आपको बताती जाऊंगी. ओके अंकल. चार छोटी छोटी लड़कियाँ स्कूल यूनिफॉर्म में खड़ी खेल रही है. वहाँ एक औरत अपने पति की धुलाई कर रही है और वो फिटी उसकी कमी. चाय की दुकान पे रेडियो बज रहा है. अब हम क्रॉस कर रहे हैं साई बाबा मंदिर. और ये हम आगे मेन रोड पे. लीजिए आपका बस स्टॉप आ गया. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. आओ बेटी बैठो. तुम जानती हो तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी का बहुत बड़ा नाम होने वाला. अरे ऐसा क्यों कह रहे हो सर? बेटी तुम्हारे इजाजत के बगैर मैंने एक काम कर दिया है. 31 दिसंबर को हमारी कंपनी न्यू ईयर्स ईव की बहुत बड़ी पार्टी दे रही है. ओह वाओ. जानती हो चीफ गेस्ट कौन है? कौन सर? अरे तुम्हारा बॉयफ्रेंड
एयरवॉइस कंपनी का चेयरमैन श्रीमान संजय सिंघानिया। और देखो किसी भी हालत में तुम्हें उसे इस पार्टी में लेके आना है। तुम्हारे भरोसे मैंने इस इनविटेशन कार्ड पे उनका नाम प्रिंट करवाया है। देखो अरे बड़ी बड़ी एजेंसीज आएंगी, एड फिल्म मेकर्स आएंगे, प्रोड्यूसर्स आएंगे, डायरेक्टर्स आएंगे। हाँ लेकिन किसको पूछकर आपने उसका नाम इनविटेशन पर प्रिंट करवाया? अरे इसमें पूछने की क्या बात थी, न्यू ईयर्स ईव पार्टी है, उसमें तुम तो आओगी, वो तुम्हारे साथ में आ जाएंगे। सर लेकिन मैं उसे नहीं बुला सकती। क्यों? हमारा झगड़ा हो गया है। ऐसा मत कहो बेटी, सारे कार्ड से बन चुके हैं, अब किसी भी तरह से उसे मनाकर तुम उसे पार्टी में ले आओ। सर लेकिन वरना बदनामी हो जाएगी। सर लेकिन किसकी परमिशन से आपने ये कार्ड प्रिंट करवाए? मैं तुमसे पूछने वाला था बेटी, लेकिन बात दिमाग से निकल गई ना। सर आपने जो किया बिल्कुल गलत किया, 100% रॉन्ग। देखो बेटी तुम उसे ले आओ वरना सबके दिल टूट जाएंगे। संजय सिंघानिया को सब तरस रहे उसे देखने के लिए, आज तक किसी ने उसे देखा तक नहीं है। क्या 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 उसे अभी तक किसी ने नहीं देखा? कैसे देखते, अमेरिका से अभी तो आए हैं। फिर तो उसे लाना ही पड़ेगा। अरे सर आपने कहा और हो गया, कल्पना जादू की छड़ी है, यूं घूमती है और सरकारें बदल जाती है। थैंक यू वेरी मच।